बोलो हेलो। हाय गाइस। हाय गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज क्या है बता दो, डिस्क्राइब कर दो। आज क्या है हमारे घर में? कोई प्रोग्राम है ना? हाँ। कौन सा प्रोग्राम? दादा जी का ब्रह्म भोज है। आज दादा जी का हमारे ब्रह्म भोज है कि नहीं? ब्रह्म भोज है। हाँ, थोड़ी अभी बारिश हो गई थी रात में, ये पानी लगा हुआ है, लेकिन अभी पानी सूख जाएगा क्योंकि धूप हो गई है। और अभी हम लोग ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। और ये गेम किसको खेलना है? हमको। रुक जाओ, अभी ब्लॉग एडिट तो जान दो। अरे भैया इतनी तेजी इन लोगों को गेम खेलने में। अभी देखो ब्लॉग एडिट हो रहा है ना, उसके बाद एडिट होगा, उसके बाद अपलोड होगा, उसके बाद आप गेम खेलिएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा हो जाएगा तब। सबसे पहले मेरी बारी होगी। हाँ, सबसे पहले तुम्हारी बारी होगी क्योंकि छोटे बच्चे लाइन से आगे रहते हैं ना। एकदम लाइन से आगे रहते हैं छोटे बच्चे एकदम लाइन से आगे रहते हैं, और बड़े बच्चे पीछे रहते हैं। बड़ा कौन है इसमें? हा? बड़ा कौन है? यस भैया। लैपटॉप चार्ज भी नहीं है, चार्ज खत्म हो रहा है, बैटरी बैकअप मेरा तो थोड़ा सा मैं खेल लूंगा। हाँ तो ठीक है ना, मेरा काम हो जाएगा पूरा, उसके बाद ही मैं दूंगा। तो गाइस आज हमारे दादाजी का 13 है, 13 ही कह लीजिए, चाहे ब्रह्मभोज कह लीजिए, और भंडारा भी कह सकते हैं क्योंकि आज करीब करीब हमारे यहाँ भंडारा हो रहा है। तो अभी सारी तैयारियाँ चल रही हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत मार्केट भी जाना है। तो अभी मेरी दादी बैठी हैं, चलते हैं दादी जी से थोड़ा बात करते हैं। दादी बेचारी हमारी अकेले हुई जब से दादाजी गए, चलिए चलते हैं। नहा ले लूँ? नहा लिए तो मौसम बढ़िया हो गया है। अरे भगवान का मर्जी है। हाँ, सब भगवान की मर्जी। रात के मार बारिश, मार बारिश। अरे बुझात रहे कि इतिहास भर जाए कुछ। हमने कहा वो जब सुता लगे हम तो उठ के बैठ गए। हम कह रहे इतना तेज बारिश होती है तो कहेंगे सुबह आदमी, हमने व्यवस्था बनावा तो की भर में सूख जाता, सब सूख गए हैं सब पानी। चलो ये टूट गई बा, ये के पानी ठीक करे के बाद शशि वैसे को ना मंगा ले लूँ अपना। अरे ना दे दे, पता कि 200 यही का 200 फार्म का मंगा था के वाला। वाला है। हाँ। वैसे बोल दो लेके ले आ लेता हूँ। नहीं ना ले आना के चलो। अच्छा हाँ, तारा किए तो समझ ये दूसरा। हाँ नहीं रहा। अच्छा गाइस, जैसा कि ये देख सकते हैं कि बर्तन आ चुका है, हमारे यहाँ बफर की व्यवस्था है, मतलब लोग निकाल के अपने आप खाएंगे। ये सारा बर्तन है यानी हलवाई का सामान। अभी हमारा हलवाई नहीं आया है, और चूल्हा वाला भी आ गया है। चूल्हा दो चूल्हा इधर लगा हुआ है। अभी सारे सामान धीरे धीरे आ रहे हैं। चलते हैं अभी भाभी के पास अपने, देखते हैं भाभी हमारी क्या कर रही हैं, क्योंकि भाभी बड़ा शर्माती हैं कैमरे के सामने आ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, हम धीरे धीरे सब कुछ कर देंगे। कहाँ बेटा? हाँ बेटा इधर आओ। सब लोग चल रहे हैं। कहाँ है अल्लाह मचा रहे हो? कहाँ है अल्लाह? कहाँ बना तुझे? पीजो कड़ा था तुझे जी। सब्जी बन रहा है, इतना सब्जी हमारे घर में, इतने लोग मेहमान आ गए, इतनी सब्जी खा लिया, इतना सब्जी। भाभी भाभी हमारी कहाँ तू बात करो तो सब्जी रहा। ये गैस चूल्हा जल रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं हमारे घर, 7 लोग हो गए हैं। अरे बताओ 9 बजे ये हमारे कुछ गांव के लड़के हैं, ये सब बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, भैया लेटे हुए हैं उधर। उधर एक टकला लड़का है और एक लाइटिया आगे लिया, इतनी कम हो हमारे पहले लाइट आ गया। तो ये हमारा जो सारा सामान है देख सकते हैं आप लोग, ये सारा चीज़ें ये जा रही हैं। हमारे हलवाई आ गए हैं, हलवाई से ए बाबू क्या ही लहसुन वाले चल मरदे का, हम मसाला वाले चले मसाला मरदे चोलो एक बोले ले जाएगा, चोलो ले जा चोलो का एक बोरी ले ले ला चोलो लेके लास्ट में अगला ले मसाला लेके ले ला बाबू मसाला। हाँ मसाला ले ला।
ले चले जा सब लोग बुनिया थोड़ा सा हाथ नहीं बुनिया तो नहीं। तो ये हमारे हलवाई साहब लोग आ गए हैं। अरे बाबू खरस 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 बढ़िया सर इका ले ला हो तू। सुरनवा कहाँ गई? सुरनवा धोवा पड़े ना हो जी। तनी मटिया रहू कहीं ले जाता हूँ। अभी चलते हैं। अभी हमारा टेंट का जो है सामान है वो आ चुका है। टेंट का नहीं सॉरी लाइट वाला सामान जो आ चुका है जनरेटर पर कुछ भजन होने वाला है नाइट में। ये हमारे जो द्वार है सिलेंडर ना आएगा अभी। हाँ का है अच्छा ये बजो आए हाँ हाँ एकदम एकदम अनमुनिया का हो बाजा बजेगा बाजा। हमारे रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि काफ़ी पुराना पुरानी मकान है। 20-25 साल पुरानी मकान है। पहले के ज़माने के हिसाब से बनी हुई है। ये बनी है 1995 का आई थिंक। तो थोड़ा सा लकड़ी का काम चल रहा था चल क्या रहा था मतलब थोड़ा सा दरवाज़ा बंद नहीं होता था ढंग से तो अभी सही हो गया जी। भैया बताएं हम बता रहे आपके सूरन 40 के जी बा हाँ 10 किलो अलग कर दूठ निकाल दें आइए बताइए गैस वाका को चाहिए आपके सिलेंडर वाला टोटल बताइए ना अभी 3 को ठीक बाबे आवाज गाड़ी सूत्र आवाज नहीं है। मालीपुर से आए महाराज जी जीजा कहाँ से आए हमारी तो कल यहाँ लिए इलाज के हम दो जीजा कहाँ से मालीपुर से लिए हाँ कल यहाँ मालीपुर से हो गई हाँ रहा ला जीजा के ना रहा वाला जी दूसरा कैसे दिखा लोग आ गए चाची के घर पनीर लेने खोआ लेने और सफल बटर लेने। ये बार तो कौन तरफ से हिला जाते हैं हाँ पीछे फिर हिला जाते हैं नहीं हिला जाए के गाड़ी चल रही गाड़ी बढ़ते हैं पीछे से नहीं हिला जाए लोग के ला जाते ना बड़े से क्रॉस के जो ही सो गई क्या ऐसी सो गई तैयार नहीं फोटो क्या मिला है बाबा कहाँ अभी जाएगी वो भी जा रही थी कहाँ कौन कौन जा रहा था जींस पहनने गई जैसे हाँ पहले आ जा बिना जींस का अच्छा पनीर दबर दे पनीर पियासल बना टूट देना ना मोह लिए तो सस्ता हो जाता मोहल्ले दिन पे दिन अरे मोह बढ़ाओ जितना सा बहुत बड़ा हो जाता है आईफोन तो नहीं कहा जितना सा मर्द है। तो गाइस जो ये ब्लॉग है अभी का एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और आप इस ब्लॉग को काफ़ी इन्जॉय करेंगे आई थिंक और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।